सुदामा कैसे थे। जब सुदामा को भगवान ने धन दिया आखिरी में, तो सुदामा अपने घर की देहरी चढ़े नहीं। सुदामा बोले मैं नहीं जाऊंगा सोने के महलों में। भगवान बोले क्यों? बोले जैसे ही जाऊंगा मैं आपको भूल जाऊंगा। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, सुदामा तुमने सारी जिंदगी गरीबी उठाई है, रोटी को तरसे हो, अब मैंने सोने के महल बनाकर दिए, जाओ तुम सुख भोगो, मेरी इच्छा है प्रभु मैं आपको भूल जाऊंगा। भगवान बोले ना, मैं तुम्हें धन दिया हूं तो अपनी कृपा देता हूं कि तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं। सुदामा ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा, आप भी कभी ये मत कहो कि ये मेरा। यही है समर्पण, केवल कहना नहीं है, कहना नहीं। देखो कहने से तो आप लोगों से लोग पूछते कैसे हो आप, मजे में है, जबकि होते मजे में नहीं है पर कह देते हो, तो ये कहना नहीं है। भगवान से कहना नहीं है कि प्रभु सब आपका है, मानना है कि प्रभु सब आपका है। एक होता है कहना, एक होता है मानना। तो आप कहने वाले बनोगे कि मानने वाले, क्या बनोगे? कहो मत कि प्रभु ये आपका है, मान लो दिल से। ये देखो कहना भी दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक सामान्य व्यवहार में आदमी कहती है सब बढ़िया, तो व्यवहार में हम तो कहते हैं, व्यवहार में भी ये मेंशन कर लो कि प्रभु सब आपका, अंदर प्लस बाहर यही सब आपका। और मेरा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, केवल भगवान मेरे हैं। इतना कनेक्ट हो जाओ भगवान से कि जब जब आप कहो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, हर छोड़ी छोड़ी देर में बोलते रहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, और मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। बस ये कहते रहो और भगवान को याद करते रहो, और काम सारे करो। काम नहीं छोड़ना कि आप जी काम छोड़ के बैठ जाएं। काम, ये दास अनिरुद्ध काम करता है ना, सारे सारे काम कीजिए, जिम्मेदारियां ना भूलिए, काम ना भूलिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो। यही है शरणागति, इसी को बोलते हमारे श्री संप्रदाय में कैंकर्य, सेवा। कैंकर्य समझते हैं? सेवा, समर्पण।